ये है रफ टफ और ग्रिटी द इंडियन नेवी। देश की 7,500 किलोमीटर लंबी घुमावदार कोस्ट लाइन के पहरेदार हम फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी हैं वर्ल्ड में। नेवी एक यूनिक फोर्स है। हम न सिर्फ ओशन में ऑपरेट करते हैं बल्कि हम जमीन पर, पानी के नीचे और हवा में भी ऑपरेट करते हैं। अपने माइटी शिप्स, पावरफुल एयरक्राफ्ट्स और साइलेंट सबमरीन्स के साथ ये हैं उस्ताद पानी, जमीन और आसमान के। इंडियन नेवी है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सर्विस, वर्ल्ड की मोस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी या मोस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट सेंसर हमारे शिप पर ये सब होते हैं। तो ऐसे में हमने महसूस किया कि सभी ऑफिसर्स, स्पेशली जो इंडक्ट किए जाने हैं, उनकी एक साउंड टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होनी चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी, यही है एपिसेंटर हर तरह के एक्शन का। पहली बार हम कदम रख रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी में, जहां ट्रेन की जाती है नेवल लीडर्स की अगली जनरेशन। यहां तैयार किए जाते हैं मैन एंड विमेन जो सवार होंगे लहरों पर ड्यूटी, ऑनर और करेज के साथ। बाहर की दुनिया अभी सोई हुई है, पर इंडियन नेवल एकेडमी वार्म अप में बिजी है। कैडेट्स दौड़ते हुए अपना मैंडेटरी 2 किलोमीटर जॉग पूरा करते हैं ठीक 8 मिनट में। Hey, Thomas, we'll move to petition number 2 for PT test. Instructors, take your cadets. जल्दी ही 8th टर्म के कैडेट्स पास आउट होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करना है। सभी ध्यान से सुने, सेकंड क्लास रोप 4 मीटर की है, लेग्स रोप के पीछे रहेंगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और बॉडी को आर्क की तरह बनाना है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। रोप टेस्ट बहुत मुश्किल है। कैडेट्स को अपने पैर यूज करने की इजाजत नहीं है। अपनी बॉडीज को रोप के पैरेलल रखते हुए कैडेट्स सिर्फ अपनी आर्म मसल्स के सहारे क्लाइंब करते हैं। इन कैडेट्स को ताकतवर बनाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और हर टर्म के साथ डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। इस वक्त हम बीम टेस्ट दे रहे हैं। इसमें हमें करने होते हैं 6 चिनअप्स प्रॉपरली, और बॉडी बीम से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाहर पीटी इंस्ट्रक्टर हर्षवर्धन जूनियर्स को पीटी करा रहे हैं, एक्सरसाइज विद माय कॉम, जिसमें शामिल है कैडेट्स की अपर बॉडी और उनके कोर की एक्सरसाइज। 1 2 4 1 2 1 2 6 1 2 3 कोई अच्छा रहता है पीटी में, कोई खराब रहता है। हमारा मोटो रहता है कि सभी एक साथ एक जैसा पास आउट हो यहाँ से, अच्छा एक अच्छा लीडर बने, जोश रहे इनमें 20-30 इयर्स तक। 1 2 3 विमेन कैडेट्स के लिए कोई छूट नहीं है। ये यहाँ सिर्फ 6 महीने के नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए आई हैं, लेकिन इनका भी फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। एकेडमी में आने से पहले इस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग के हम आदी नहीं थे। शुरू का 1 महीना बहुत मुश्किल था। अडाप्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, लगभग 1 हफ्ता। इंडियन नेवल एकेडमी अभी बहुत यंग है। 2009 में ही इसे एस्टैब्लिश किया गया है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारी नेवी के पास सिर्फ 33 शिप थे।
हम अपने ऑफिसर्स को यूनाइटेड किंगडम भेजा करते थे उनके साथ ट्रेन होने के लिए। हम एनडीए के थ्रू ऑफिसर्स को इंडक्ट किया करते थे। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे नेवी बढ़ती गई, हमें और ज़्यादा ऑफिसर्स को इंडक्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए हमने अपनी नेवल एकेडमी की स्थापना की। सदर्न कोस्टल स्टेट केरला में एडिमला में बनी इंडियन नेवल एकेडमी 2400 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली हुई है और ये चीज इसे एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी बनाती है। पीछे घने जंगलों से ढके पहाड़, साइड में बैक वाटर्स और सामने अरेबियन सी होने की वजह से एकेडमी नेवल लीडर्स की अगली जनरेशन की ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट है। हर साल इसमें जगह पाने के लिए बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं, लेकिन एकेडमी एक टर्म में सिर्फ 300 कैडेट्स लेती है, जिसमें फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से आने वाले कैडेट्स भी होते हैं। चुने गए कुछ कैडेट्स एक रिग्रस कोर्स से गुजरते हैं जिसमें होती है इंजीनियरिंग, नेवल सब्जेक्ट्स और आउटडोर फिजिकल ट्रेनिंग 4 सालों के लिए, जिसके अंत में वो बीटेक डिग्री के साथ ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा अलग सा है। नेवल एकेडमी में 4 साल या 8 टर्म्स के बाद कैडेट्स यंग सिविलियन बॉयज से बदलकर वेल ट्रेन्ड नेवल ऑफिसर्स बन जाते हैं। जब ये बॉयज हमें ज्वाइन करते हैं तो ये सीधा स्कूल से आते हैं फ्रेश। इन्हें नहीं पता कि आर्म्ड फोर्सेस क्या हैं। आईएनए इज नॉट अबाउट प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स। आईएनए में हम फ्यूचर नेवल लीडरशिप को शेप देते हैं। आईएनए में हम फ्यूचर नेवी के लिए ऑफिसर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑफिसर्स होने और ऑफिसर्स की तरह ट्रेंड होने के साथ बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ आईएनए। सुबह के 8 बजे हैं। कैडेट्स को बिस्तर छोड़े 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ये 2 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी भी कर चुके हैं सिर्फ 1 कप चाय पीकर। कटारी मेस 3 न्यूट्रिशियस मील्स सर्व करती है और ये एक्टिव कैडेट्स रोजाना 4000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। सीनियर कैडेट्स डाइनिंग हॉल में जूनियर्स के पास बैठकर उनके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। एकेडमी में सिंपल ब्रेकफास्ट भी परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड होता है। कई बार जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कभी तो खाना खाते हैं एम्बेसडर्स के साथ तो कभी फॉरेन डिग्निटरीज के साथ, तो इसलिए हमें ये एटिकेट्स सीखने होते हैं। तो इस एकेडमी में कैडेट्स के लिए सब कुछ बहुत टफ है। ये वो जगह है जहाँ देश के हर हिस्से से कैडेट्स आते हैं। अर्बन एरियाज से आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, तो यहाँ हम उन्हें इस तरह से ग्रूम करते हैं कि वो साउंड और प्रोफेशनल लीडर्स बने हमारे देश की नेवी के लिए। ट्रेनिंग जबरदस्त है। कैडेट्स को पर्सनल बिलोंगिंग्स अलाउड नहीं है, ना म्यूजिक सिस्टम्स, ना ही पोस्टर्स और ना ही मोबाइल फोन्स। इन्हें सिखाया जाता है हाउ टू वॉक, टॉक एंड ड्रेस द मिलिट्री वे। ओके, तो ये इंडिकेशन है कनेक्ट अप का, करेक्ट? कनेक्ट अप कब बोलते हैं? कनेक्ट अप तब बोलते हैं जब एक जैक रोप अटैच्ड हो, करेक्ट? फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स के साथ ही एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग सेट होता है और उसके बाद और मैरीटाइम सब्जेक्ट जैसे सीमनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने ऐसे प्रैक्टिस सेशन उस वक्त बहुत काम आएंगे जब वो शिप पर पोस्टेड होंगे। रेस ऑफिसर फॉसिल की टिप पर होगा, इन हॉल और आउट हॉल पार्टी मास्ट के पीछे होंगे। ऑपरेशन शुरू करो, रेस ऑफिसर टेक चार्ज।
डाउन टू माय गार्डरेल। सीमैनशिप समंदर में जीने का तरीका है। सीमैनशिप के चार डोमेन्स होते हैं, एंकर वर्क, बोट वर्क, सर्विलांस सेफ्टी और रिगिंग। रिगिंग में कार्गो ट्रांसफर सी में होता है, जिसमें दो शिप पैरेलली मूव करती हैं और 250 केजी तक कार्गो जो है हम मूव कर सकते हैं। तो कैडेट्स को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए हम उसी लोड ट्रांसफर को यहाँ सिमुलेट कर रहे हैं। हम उन्हें यहाँ सीमैनशिप सिखाते हैं ताकि वो शिप्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें और इन एवोल्यूशंस को सेफली कर सकें और प्रोफेशनली। क्लासरूम से फायरिंग रेंज तक इन कैडेट्स के लिए ये सब रोजाना के कामों में शामिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा एक दिन आएगा जब मैं वेपन को हैंडल करूंगी। आज हम फायर करेंगे इंसास असॉल्ट राइफल से एप्लीकेशन बोर्ड पर। कैडेट्स यहाँ 9mm पिस्टल जैसे छोटे आर्म्स हैंडल करना सीखते हैं, जिसे एक मिनट में स्ट्रिप और असेंबल करना होता है। 9mm कार्बाइन और 5.56mm इंसास राइफल। शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि तीन वेपन्स थे और जो ड्रिल होती है वो आपको बहुत ही जल्दी सीखनी होती है, सब कुछ बहुत जल्दी, पर प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना ही देती है। एकेडमी में खास तौर पर बनाए गई फायरिंग रेंज कैडेट्स को एस मार्क्समैन बनाने के लिए कंप्यूटर्स और सेंसर्स से लैस है। ये एकेडमी कभी नहीं थमती, चाहे जबरदस्त सदनली मॉनसून्स हों या गर्मी में चुभने वाली धूप। लाइफ इन द नेवल एकेडमी इज टफ। यहाँ का अपना एक रूटीन होता है, सुबह सूरज उगने से पहले उठना होता है, पीटी और परेड करनी होती है, इसके बाद एकेडमी करिकुलम के लिए क्लासेस में जाना होता है, नेवल सब्जेक्ट्स को समझना होता है और शाम को होता है खेल का समय, और रात तक आप इतने थक जाते हैं कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चले जाते हैं। सुबह के 3 बजे हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में और दिनों के मुकाबले इन कैडेट्स की सुबह आज जल्दी हुई है। वो यहां से जाएंगे एक अहम कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप के लिए। Camp Party, mustered and procured, sir. Total running strength, 194, sir. Target commander, take charge and conduct the exercise. Academy में इस वक्त करीब 1200 cadets हैं, जिन्हें 6 squadrons में divide किया गया है। हर टीम का मकसद है points जीतना, जो बाद में tournament championship banner पाने में contribute करेंगे। ये squadrons एक दूसरे से तमाम activities में compete करते हैं। जैसे कि इस ट्रेनिंग कैंप में लेफ्टिनेंट कमांडर हरिओम भारद्वाज कैंप के रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। रिपोर्ट सेवन टम्बर्स, मेक रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्ट्रेंथिंग सर्वेंट वन रिवर्स कॉर्ड मस्टर टू ग्रेड चीता स्कॉर्ड एंड मस्टर टू ग्रेड वन सेंट 22 वन सेंट 26 रन सेंट 26 वेरी गुड नेविगेटर कमांड नोट ऑन ग्रिप पॉइंट 6870 4115। पहला चैलेंज है 25 किलोमीटर का नेविगेशन रन। टीम्स को कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। सर इट इज माउंटेन राइट ऑफ सर 6870 4115। कंपीटिंग टीम्स फॉरेन मैप पर अपनी पोजीशन मार्क करती हैं। यहां टाइम ही सब कुछ है। ऑल ऑफ योर राइफल्स अप। जल्दी से एमिनिशन मैगजीन चेक की जाती है और फिर कैंप की चीजें। मैप। वन मैप इन सर। स्ट्रेचर। वन स्ट्रेचर इन सर। ओके गाइस। ऑल रेडी? यस सर। आई डोंट वांट एनी कैडेट लैगिंग बिहाइंड। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। आउट द जोश। फायर सर। Time starts now. Teams दौड़ पड़ती हैं। उनका टारगेट है 25 किलोमीटर दूर मौजूद चेक पॉइंट पर पहुंचना, और वो भी 2 घंटे के अंदर।
हर कैडेट कैरी कर रहा है पीठ पर 14 किलो हैवरसैक, आगे है एक 4 केजी की इंसास राइफल, जंगल बूट्स और एंकलेट्स पहने ये कैडेट्स तैयार हैं आगे एक लंबे और थकाने वाले दिन के लिए। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कैडेट रोहन सिंह पाल की तबीयत बिगड़ गई है। टीम पक्का करती है कि हर कोई हाइड्रेटेड रहे और कुछ वजन कम कर दिया जाए कैडेट पाल का। इन 3-4 दिनों में इन्हें ट्रेनिंग के डिफरेंट फेजेस से गुजारा जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 या 5 दिन तक इन्हें सोने का बिल्कुल वक्त ना मिले। जब ये स्ट्रेस फेस कर रहे हों तो हम ये चाहते हैं कि ये टाइमली डिसीजंस लें, और इसीलिए हम इनका रूटीन इतना टफ बनाते हैं ताकि जब भी मुश्किल हालात आएं उस समय ये अपने साथियों को लीड कर सकें। दिन निकल आया है लेकिन उस घने ट्रॉपिकल जंगल में रोशनी उतनी नहीं है जिसमें कैडेट्स दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अपना रास्ता पता करने के लिए कैडेट्स कंपास और नेविगेटर के स्किल के भरोसे हैं। कैडेट पाल के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। इनका दिल दिमाग तो मजबूत है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। कैंप रूल के मुताबिक चेक पॉइंट पर हर टीम के उतने ही साथी होने चाहिए जितने चले थे, नहीं तो वो पॉइंट्स गवा देंगे। ये इनमें वॉरियर्स ईथॉस भरने के लिए किया जाता है जो है नेवर लीव बिहाइंड अ फॉलन कॉमरेड। कैंप के दिन चैलेंजेस से भरे होते हैं और अब अगला चैलेंज है राफ्ट मेकिंग। हर कैडेट को ये 4 किलो के मेटल ड्रम्स कैरी करने होते हैं। सदर्न इंडिया की झुलसाने वाली धूप में ट्यूबुलर वेट को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनका जोश अभी भी बुलंद है। अब हम करेंगे ये कि हम राफ्ट प्रिपरेशंस को अंडरटेक करेंगे। सेक्शन कमांडर सर, आस्क देम हाउ इज द जोश। चैलेंज है 4 आइटम्स की मदद से एक राफ्ट बनाना जिसमें शामिल है प्लैंक्स, रोप्स, प्लाईवुड और ड्रम्स। इसमें इनकी नॉट मेकिंग स्किल्स भी मार्क की जा रही हैं, जो नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब नॉट्स जो सिखाई जाती हैं, ये सब सीमनशिप नॉट्स हैं। इन्हें मरीनर्स यूज करते हैं सी में और साथ ही हार्बर में भी। इस एक्सरसाइज में रीफ नॉट, क्लोव हिच और मरीनर्स नॉट बहुत काम आने वाली हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी करो, दे आर ऑलरेडी रेडी। हमें भी जल्दी करनी होगी, कम ऑन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, सीमनशिप जो स्टडी कर रहे हैं क्लास में, हम वो यहीं पर करते हैं। फिलहाल जो हम कर रहे हैं बैक वाटर्स में, वो सारा काम है आर्म पावर का या मसल पावर का और टेक्निक का, कि कैसे इस राफ्ट को एकदम स्ट्रेट बनाया हम। 1, 2, 3, टीम्स ड्रम्स को आपस में बिल्कुल टाइट बांधती है। फाइनली अब वक्त है बैक वाटर में उनके बनाए राफ्ट्स को परखने का। थके कैडेट्स आराम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने एक के बाद एक चैलेंजेस आते जाते हैं। ऑल राइट, लिसन अप, हम सब यहाँ ऑब्स्टेकल कोर्स पर हैं, सब तैयार हैं? यस सर। हाउ इज द जोश? फाइन सर। गो। कैंप की डिजाइनिंग बहुत टफ है जिससे कैडेट्स में
हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में लीडरशिप क्वालिटीज पैदा हों. ऑब्स्टेकल कॉज, नाइट नेविगेशन, बैक वाटर्स में स्विमिंग, टेंट पिचिंग और दूसरी तमाम एक्टिविटीज फिजिकली और इमोशनली डिमांडिंग है. ये कमाल का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा. इसने बेसिकली हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव करना है, और साथ ही चेक किया गया जो कुछ भी हमने सीखा है उन एक्टिविटीज के जरिए जो हमने परफॉर्म की हैं. आखिरकार ये इंटेंस और ग्रूलिंग कैंप खत्म होता है. अकेडमी कमांडेंट आकर कैडेट्स को बधाई देते हैं. अकेडमी के कैलेंडर में सिर्फ ये कैंप्स ही बड़ा इवेंट नहीं है. स्क्वाड्रन्स को ड्रेस इंस्पेक्शन, क्रॉस कंट्री और ड्रिल कंपटीशन के भी पॉइंट्स मिलते हैं, जो सब मिलकर उनकी मच कॉवेटेड चैंपियनशिप बैनर जीतने में मदद करते हैं. लाइट्स बंद होने में बस एक घंटा बचा है, लेकिन चीता स्क्वाड्रन अलर्ट है. जब हम लोग वहां ड्रिल करेंगे तो उन्हें फील होना चाहिए कि चैंपियन स्क्वाड्रन है. चीता कैडेट कैप्टन अगले दिन के ड्रिल कंपटीशन के लिए कैडेट्स में जोश भर रहे हैं. एससीसी रेडी कल आखिरी बार कमांड देंगे. मैं भी अपने कोर्समेट्स को कल आखिरी बार कमांड दूंगा, और आखिरी बार हम परेड ग्राउंड में एंटर करेंगे. जस्ट थिंक ऑफ इट वंस. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाउ्स द जोश? मुझे और जोश चाहिए. ब्रेव हार्ट्स, क्या कल जीत हमारी होगी? ब्रेव हार्ट कैडेट कैप्टन अपनी जोशीली स्पीच से कैडेट्स में जोश भरते हैं, और टीम्स सिग्नेचर पुशअप्स लगाती हैं. आज का दिन है काले बादलों, बूंदों और तेज हवाओं से सराबोर, लेकिन एकेडमी के लिए ये सब मायने नहीं रखता. ड्रम्स पर परफेक्ट टाइम के साथ मार्च करते, शीशे जैसे चमकते शूज पहने कैडेट्स परेड करते हैं, जिस पर एग्जामिनर्स की बारीक नजर रहती है. ड्रिल को कह सकते हैं बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन. आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डर्स सुनने और ओबे करने की इथॉस पर काम करती हैं, क्योंकि ड्रिलिंग की प्रोसेस कैडेट के 4 ईयर पीरियड में बराबर चलती रहती है. ही लर्न्स टू रिएक्ट. जैसे किसी स्टेज पर जब वो एक शिप पर होगा, तब भले ही वो सो रहा हो, लेकिन जैसे ही वो वार्निंग, सायरन या ऑर्डर की आवाज सुनता है, तब वो फौरन बंकर छोड़कर एक्शन के लिए तैयार हो जाता है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेटिंग फॉर टाइम. हर कदम को परखा जा रहा है, और कैडेट्स को एक ग्रुप में मूवमेंट की प्रिसिशन और उनकी बॉडीज के रिजिड कंट्रोल पर मार्क्स दिए जाते हैं. उनके कदमों की थाप, उनके सिर का तिरछा होना, सबका परेड कमांडर की आवाज के साथ सटीक तालमेल होता है. ड्रिल खत्म होने पर कैडेट्स को रिजल्ट्स का इंतजार है. कुछ चीजें अप टू द मार्क नहीं रही, पर कभी कभी लोग हर एक के सामने इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा होता है. ये कंट्रोल से बाहर है, पर जिसे कंट्रोल कर सकते हैं वो है जोश का हाई होना. लोग पसीने से तर हैं,
सांस मुश्किल से आ रही है और यही हमारी ट्रेनिंग है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। एट द आउटसेट मैं एकेडमी कैडेट कैप्टन आशुतोष सिंह आपका वार्म वेलकम करता हूं इस इंटर स्क्वाड्रन ड्रिल कंप्लीशन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में और इंटर स्क्वाड्रन ड्रिल कॉम्पिटिशन में टोटल 7766 पॉइंट्स के साथ विनर है द चीता स्क्वाड्रन। ऐसा नहीं है जब कैडेट्स INA ज्वाइन करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं यू हैव टू बी पेट्रियोटिक एंड यू हैव टू फाइट फॉर द नेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तब होता है जब वो स्क्वाड्रन्स को ज्वाइन करते हैं। उनके स्क्वाड्रन के लव के जरिए हम फाइटिंग एंड द किलिंग स्पिरिट जनरेट करते हैं और यही ट्रांसलेट करता है फ्यूचर इनटू द पेट्रियोटिज्म दैट दे हैव फॉर देयर कंट्री। पानी नेवी का नेचुरल एलिमेंट। लेकिन बहुत से कैडेट्स बेसिक स्विमिंग तक नहीं कर पाते। ऐसे कैडेट्स को डेड सिंकर कहा जाता है। नीचे जाना है पानी के, सांस छोड़ना है और ऊपर आना है तो सांस लेना है। जितने भी नेवल कैडेट्स हैं ये सारे ऑफिसर्स, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल स्विमिंग कंपलसरी है नेवी में, क्योंकि बिना स्विमिंग के हम नेवी में इनको नहीं रिक्रूट कर सकते। थाई से मूवमेंट करना, पूरा ऐसे पैर आपका मूवमेंट होना चाहिए। यस सर। फर्स्ट टर्म पास करने के लिए कैडेट्स को 50 मीटर स्विम और 3 मीटर वर्टिकली फ्लोट करना होगा, साथ ही 5 मीटर की हाइट से जंप भी करना होगा। सीनियर कैडेट से 10 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से जंप करने की उम्मीद की जाती है। ये चीज उन्हें शिप पर एक ऑफिसर के नाते करनी पड़ सकती है। एकेडमी ज्वाइन करने से पहले मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, आई वॉज अ डेड सिंकर, बट देन यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि उन्होंने मेरे अंदर के डर को खत्म कर दिया। बढ़िया है। जंप। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। नाउ जंप, आई वांट जंप, अंडरस्टूड? फ्रंट स्टैंड अप, हिट अप, कम दिस साइड। कवर अप, कवर अप, कवर अप, कवर अप, कवर अप। एकेडमी की ट्रेनिंग थकाने वाली और सख्त है। मिलिट्री स्टैंडर्ड्स हाई है और जब उन्हें पूरा नहीं किया जाता तो उनके नतीजे भी कड़े होते हैं। पनिशमेंट की कोई भी वजह हो सकती है और ये कैरेक्टर बिल्डिंग और फिजिकल फिटनेस इंप्रूव करने पर फोकस्ड होती है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि कैडेट को सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे बनाएं इन पनिशमेंट्स के ज़रिए और बाकी दूसरी चीज़ों के ज़रिए जो इन्हें बचाता है इनडिसिप्लिन होने से। इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ता है डिसिप्लिन, यही करते हैं पनिशमेंट्स। कैडेट अविरल केशव साहब धान। डिसिप्लिन के इंचार्ज हैं कमांडर गौरव राणा जो एजिटेंट मैचअप में प्रिसाइड करते हैं, जहां रिपीट ऑफेंडर्स को उनके सामने लाते हैं। कैडेट अविरल केशव, एकेडमी नंबर 26, ऑफेंस एब्सेंस फ्रॉम ADP 22, 23, 24 एंड 25 May 17। व्हाट डू यू हैव टू से? नो रीजन सर। व्हाट डू यू मीन नो रीजन? तुम सुबह खुद उठ नहीं सकते हो क्या? देखिए, पनिशमेंट का मकसद उन्हें सजा देना नहीं बल्कि करेक्ट करना है। तो कैडेट जानता है कि वो ये नहीं सोच सकता कि गलती पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और टफ ट्रेनिंग ही है जो कैडेट्स को चौकन्ना रखते हुए तमाम तरह के स्किल सेट्स में माहिर होने में उनकी हेल्प करती है। नेवी में हर एक का वॉटरमैनशिप में माहिर होना अहम है और ये कैडेट्स इन बोट्स को प्रोपेल करने में सिर्फ अपनी बॉडीज और सेल यूज करते हुए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं।
इन सिंपल सेल बोट्स को चलाने से सीखी स्किल्स को मजबूत करते हुए कैडेट्स को आगे ट्रेंड करते हुए एकेडमी की लैब्स में हाईटेक कंप्यूटर नेविगेशन को हैंडल करना सिखाया जाता है। वॉरशिप को कैसे मनुवा किया जाता है ये सीखना इन कैडेट्स के लिए अहम होता है। ये सब कुछ कंट्रोल करता है स्पीड, एंजिन्स और कुछ केसेस में तो टॉर्पीडोज भी। कैडेट्स शिप के ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज करना सीखते हैं, नॉन मैग्नेटिक कंपास, साइटिंग टेलीस्कोप और सिमुलेटर पर नेविगेशनल डेटा रीड करना। ये एक सिमुलेटर है तो हम इन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं उसकी, जिसे ये शिप पर करेंगे फ्यूचर में। शिप सेट पासिंग 026। वेरी गुड। डिफरेंट टर्म्स में उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से उन्हें सी अटैचमेंट्स के लिए भेजते हैं, तो वो रियल शिप्स पर सेल करते हैं, उसी के लिए इन्हें यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। उन्हें शिप हैंडल करना होगा तो यहाँ शिप हैंडलिंग की बेसिक स्किल्स और ब्रिज पर निगरानी रखना सिखाया जाता है। यहाँ एम है कैडेट्स में सीमन्स आई यानी नजरों की बारीकी में महारत हासिल करने तक प्रैक्टिस करना। कैडेट्स को यहाँ सिर्फ बैटल रेडी मशीन्स बनाने के लिए ही नहीं बल्कि एक ऑफिसर और एक जेंटलमैन बनाने के लिए भी ग्रूम किया जाता है। डिनर नाइट्स कैडेट्स के लिए एक ट्रीट होती है जो हर टर्म में चार बार होती है। कैडेट्स अपने फॉर्मल्स में ड्रेसअप होते हैं 7-course meal के लिए और जूनियर्स सीनियर्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं। ब्रास बैंड की मौजूदगी में डिनर नाइट्स सच में स्पेशल होती है जिसमें 2 घंटे के मील में हर कोर्स के साथ म्यूजिक चेंज होता है। पहली बार इधर आया तो सीनियर ने बताया कि कटलरी कैसे यूज करें क्योंकि मैंने तो स्पून भी नहीं देखा था और अब डिफरेंट डिशेस के लिए यहाँ पर कटलरी यूज कर रहा हूँ। इट वॉज गुड। डिनर खत्म होता है इंडियन रिपब्लिक के हेड प्रेसिडेंट के नाम के टोस्ट के साथ। मिस्टर वाइस द प्रेसिडेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट। हमारे कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिन्हें समय समय पर आर्म फोर्सेस के तीनों भागों में फॉलो किया जाता है क्योंकि हमको सिर्फ एक ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक जेंटलमैन भी होना होता है। फाइनल टर्म कैडेट्स के लिए आखिर के कुछ दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं। एकेडमी में उनका वक्त पूरा होने जा रहा है और वो स्क्वाड्रन बाबर से लास्ट और फाइनल क्रू कट कराने पहुंचते हैं। हमारा हर वीक हेयर कट होता है ताकि सब कैडेट्स में यूनिफॉर्मिटी रहे, जिससे कैडेट्स बेकार की बातों में ना लगे रहें और बाल बनाने में बिजी ना रहे। कैडेट्स का पहला हेयर कट एकेडमी ज्वाइन करने के कुछ ही घंटों के अंदर किया जाता है और आज ये उनका लास्ट हेयर कट है। ये मेरा यहाँ पर लास्ट हेयर कट है। इट्स अ वेरी बैड फीलिंग आई मस्ट से क्योंकि एकेडमी से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ 4 साल रहने के बाद इतने दिनों में एक लगाव तो हो ही जाता है और स्पेशली इस एकेडमी जैसी जगह से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है, फिर कहीं जाने का मन नहीं होता। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया था अपने बैचमेट्स के साथ जिनके बाल कंधे तक लंबे होते थे, तो हमें बार्बर शॉप में भेजकर क्रू कट कराया गया था। ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक इंडिविजुअल से ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में जो एक से दिखते हैं, एक से ही ट्रीट किए जाते हैं। लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है कि यादें ताजा की जाएं, क्योंकि अब समय है ओथ ऑफ एलिजेंस लेने का। ओथ एक सॉलम प्रॉमिस जो इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सलामे। सलामे।
ओथ लेते वक्त आई फेल्ट पैशनेट अबाउट द फ्लैग, हमारा तिरंगा और जो यूनिफॉर्म हमने पहनी है वो कलर जो मुझ पर है। एंड यू नो, जब कभी देश को मेरी जरूरत पड़े, उस तिरंगे में जब कभी हमें लपेटा जाए, मे बी यू विल हैव टू गिव इन योर लाइफ। डू सॉलेम्नली अफर्म, डू सॉलेम्नली अफर्म, दैट आई विल बेयर, दैट आई विल बेयर, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जर्व एंड ओबे, ऑब्जर्व एंड ओबे, ऑल कमांड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल कमांड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, and the commands of any superior officer, any superior officer, even to the peril of my life, even to the peril of my life. I think ye sabse badi oath hai jise koi bhi individual leta hai is country mein, and I'm pretty sure by virtue of this rigorous training we live up to it. ड्रिल शेड में एक अलग ही एनर्जी है। 8th टर्म कैडेट्स आखिरी बार ड्रिल शेड में इकट्ठे होते हैं। जल्दी ही वो सेपरेट होकर अलग अलग फ्लीट्स पर पोस्ट होंगे, लेकिन यहाँ एकेडमी में बने अपने पन के रिश्ते जिंदगी भर साथ रहेंगे। पासिंग आउट परेड एक्चुअली एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है हम सब के लिए। जैसे ही कैडेट्स अंतिम पग लेते हैं, यहाँ आए INAC जो यहाँ 4 साल बिताते हैं, वो हम लोगों के सामने बच्चों की तरह आते हैं और ऑफिसर बनकर निकलते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आता है, वो भी बहुत कम समय में। एकेडमी में कड़ी मेहनत के 4 सालों ने उन्हें स्ट्रॉन्ग मेंटल फ्रेमवर्क दिया है जो एक नेवल ऑफिसर को चाहिए होता है। कॉल टुवर्ड्स हिज ड्यूटी टुडे, आवर कॉल्स टुवर्ड्स आवर ड्यूटी इज दिस परेड। सबको दिखा दो कि तुम किस चीज के लिए बने हो, तो दिखा दो कि तुम कितने मजबूत हो। मैं फिर पूछता हूं एक बार, हाउ्स द जोश? वंस अगेन, हाउ्स योर जोश? नए ऑफिसर्स का मुआयना और नेवी में उनका वेलकम करने के लिए आज यहां आए हैं नेवी के टॉप ऑफिशियल्स। इन बेहद खास पलों के गवाह बनने कैडेट्स के पेरेंट्स भी यहाँ हैं। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ अपनी स्ट्राइप्स के साथ, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आज की परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं श्रीलंका के नेवल चीफ। कड़ी मेहनत के 4 साल देखते ही देखते बीत गए और अब इस सख्त ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ पूरा करने पर अकम्पलिशमेंट और प्राइड का एहसास झलकता है। मैं अपनी मदर का एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ जब वो फाइनली अपने बेटे को देखेंगी गोल्डन स्ट्राइप्स में। दैट फीलिंग विल बी मैग्निफिसेंट। तिरंगा, वो झंडा जिसे वो हमेशा ऊंचा रखेंगे जंग और शांति दोनों में। आई वॉन्ट टू सर्व माई बेस्ट हर काम में अपने देश के लिए और नेवी के लिए। जब आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं, सो यू ऑब्वियसली नो कि नेशन को सर्व करना एक्चुअली प्रोफेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली सर्विस। ऐसी सर्विस जो हमसे भी पहले है। और जब भी मैं तिरंगे को देखता हूँ तो लगता है मेरी रगों में कोई और ही खून दौड़ रहा है। कैडेट्स जब इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो राइट फ्रॉम डे वन नेवी की कोर वैल्यूज जैसे कि ड्यूटी, ऑनर एंड करेज कैडेट्स में इनकल्केट की जाती हैं। 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के एंड में हम एंश्योर करते हैं कि ये वैल्यूज उसके माइंड में सबसे ऊपर रहें व्हाइल सर्विंग अंडर द फ्लैग ऑफ हिज कंट्री, चाहे वो जहां भी हो। सर शान से ऊंचा रखते हुए वो जोशीली धुन पर गर्व के साथ मार्च करते हैं। अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए तैयार होकर वो आखिरी बार कदम बढ़ाते हैं अंतिम पग की तरफ। क्वार्टर डेक से गुजरते हुए मास्ट के नीचे से वो धीमे पर सधे कदमों से बढ़ते हैं। नेवी में फॉर्मली कमीशन्ड होने से पहले ये आखिरी कदम है। वो जब फाइनली अंतिम पग लेते हैं तो उनमें फीलिंग आती है अकॉम्प्लिशमेंट, प्राइड और इस फैक्ट की कि मिशन पूरा हो चुका है। अब वो एकेडमी छोड़ रहे हैं एज फ्यूचर लीडर्स।
वो एक पल जिसके लिए हर कैडेट इंतजार करता है वो है अंतिम पग, और वो पार करने के बाद आपको एहसास होता है कि आपकी दो माँ हैं, एक है मेरी माँ और एक है मदर इंडिया। ये वो पल है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसने मुझे मोटिवेट किया इतने कड़े इम्तिहान से गुजरने के लिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और मुझे यही चाहिए। ये वो सर्विस है जो मैं दूंगा और ये वो जीने का तरीका है जो मैंने चुना है। पेरेंट्स को हक मिलता है अपने बच्चों के शोल्डर पर शिपिंग द स्ट्राइप्स लगाने का। ये सिर्फ स्ट्राइप्स नहीं है, ये पहचान है। लोग हमें अलग से ट्रीट करते हैं, इवन आपके पेरेंट्स भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने कुछ करके दिखाया है। अब ये कैडेट्स हैं, फुल फ्लेज्ड नेवल ऑफिसर्स। इंडियन नेवी को INS को हमने बेटा दिया था, उन्होंने मेरे को एक ऑफिसर दिया है आज। ये चेहरे हैं नेवल लीडर्स की अगली जनरेशन के, जो उफनते समंदर में निगरानी रखकर अपने वतन की सरहदों की हिफाजत करते हुए शांति कायम रखेंगे।